प्रणाम है आप सभी को। बच्चों, पिछली वीडियो में हम आपको बता रहे थे लोक कथाओं का वर्गीकरण, और लोक कथाओं के वर्गीकरण में हमने आपको बता दिया था डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी द्वारा कितने भागों में लोक कथाओं को बांटा गया है, तो वह प्रकार थे आपके छह। अच्छा, दूसरी बात क्या है ये भी हमारे आपको बताइए, पॉइंट नंबर आपका है ऊपर आता है, पॉइंट नंबर आपका आता है टू, तो पॉइंट नंबर टू में प्राचीन आचार्यों में, प्राचीन आपके आचार्य जो है वो आपको पता है उन कौन से हैं, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य धाम है, आचार्य मठ भरत आपके मुनि आपके दंडी उनतक, ये सब आपके आचार्य हैं। तो प्राचीन आचार्य में से किसी आचार्य ने यह बताया कि लोक कथाएं दो प्रकार की होती हैं, या मतलब दो भागों में इनको बांटा। पहला क्या, प्राचीन आचार्यों प्राचीन आचार्यों ने लोक कथाओं को दो भागों में बांटा। पहला आपका इसका भाग क्या लिया हमने, कथा है ना, पहला इन्होंने लिया आपका भाग कथा, और दूसरा इन्होंने जो लिया वो लिया आख्यान। मैं दो भाग, पहला आपका कथा, दूसरा आचार्य। ये क्या है कथा, तो आप लोग जानते हैं कोई भी कहानी जब हम उसको कहते जाते हैं, और आख्यान निकालता आख्यान किसी को देना, या मतलब हमने जो कहानी किसी से कही है तो वह कई सारे व्यक्तियों द्वारा उसको कि यह कहानी सही है प्रमाण भी उसको दिया गया हो, तो ये केवल दो ऐसी इन्होंने प्राचीन आचार्य ने इसके दो भाग बताए, पहला आपका कथा दूसरा। अच्छा, मामा आप क्या आते हैं, पॉइंट नंबर आपका आता है तीन, इसलिए आपके आचार्य में आनंद वर्धन कौन से, आनंद वर्धन आचार्य ने लोक कथाओं को तीन भागों में बांटा, ये आप आनंद कितने में बांटा आपके तीन भागों में बांट दिया ये आपके। पहला भाग कौन सा, त्वरित कथा आपकी, दूसरा आपका जन्म लिया भाग वह कौन सा, था, और जो इन्होंने तीसरा जो भाग लिया वह आपका लिया खंड कथा। ठीक है, त्वरित कथा, संकल कथा और आपके खंड कथा, ये आपकी परि कथा से मतलब है, परिकथा वह होती है कि इसमें कोई जितनी भी बातें आपकी कही गई हैं वह सब यही बात जो लोग है उससे ही संबंधित हों, है ना। और परिकथाओं के लिए यहां पर क्या, यहां पर आपके वीर आपके होते हैं, रस आपके होते हैं, हास्य आपका होता है आपका रस, तो वो भी आपको हिंदी साहित्य से संबंधित
जो भी आपके हाथ से आपके रस नॉर्मल आपके हैं वह भी आपको इन कथाओं में देखने को मिलते हैं। तो वो आपकी होगी परे कथा। अच्छा, संकल्प कथा क्या होती है? बीज कथा के माध्यम से मतलब ये आपको प्रदर्शित होती है, मतलब पहले कहानी कही जाएगी तो एक बीज से शुरू हो, बीज से मतलब प्रारंभ में एक बहुत ही मामूली आपका जो होगा बिंदु से वो स्टार्ट होगी और फिर लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वह एक पेड़ के रूप में आपको दिखाई देगी, मतलब उसी बीच में से कई सारा पेड़ बनेगा, पेड़ से शाखाएं शाखाएं शाखाएं, तो वह कई सारे भागों में विभाजित होती आएगी, तो वह आपकी संकल्प था आपकी कही जाएगी। अच्छा, चौथी आपकी है खंडा, खंड कथा आपकी होती है, ये आपकी देश प्रधान होती है, मतलब किसी भी देश की जितनी भी गाथाएं होंगी वह आपकी खंड कथा के परिवेश में आपको बताई जाएंगी या आपको दिखाई जाएंगी। अच्छा, ये तो थे आपके आनंद ने ये कहा। अच्छा, दूसरे आपके हैं, एक और हुए हैं विद्वान आपके डॉक्टर दिनेश आपके, डॉक्टर दिनेश जी ने इनको चार भागों में वर्गीकृत किया है, इतने में फोर पार्ट। पहला पार्ट आपका कौन सा है? पहला होता है रूप कथा, है ना, फर्स्ट आपका भाग हुआ रूप कथा, दूसरा आपका हास्य कथा, तीसरा आपका बृहद कथा और चौथा आपका गीत कथा। ये कहते हैं ये जो आपकी होती है कथाएं, इन कथाओं में आपकी दैत्यों की, भूतों की, परियों की, जादूगरों वगैरह की जो कहानियां होती हैं वह आपकी इसमें रूप कथाओं में आपको प्रदर्शित होती हुई दिखाई जाती हैं। पहली बार। अच्छा, चौथी आपकी है, चौथा आपका जो मेंटर हुआ आपका गीत कथा, गीत कथा में क्या है, तीसरी वृत्त कथा आपकी, ये हम आपको पहले बता दिए कि वृत्तों से संबंधित जितनी भी गाथाएं हैं वो सब आपकी वृत्त कथाओं में आएंगी। चौथी आपकी है गीत कथा, ये होती है कि जो हम छोटे बच्चों को जो हम कहानियां गीत के माध्यम से या किसी कविता के माध्यम से हम उनको प्रस्तुत करते हैं तो वह आपकी गीत कथाओं में आपकी वो समृद्ध की जाती हैं। तो ये थे आपके डॉक्टर दिनेश चंद्र जी द्वारा वर्गीकरण। अच्छा, फिर आपके आते हैं कौन से, एक और विद्वान आपके सत्येंद्र, डॉक्टर आपके सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र जी ने ये कई किताब से इनको व्यक्त किया है। पहली आपकी है इनमें गाथाएं, दूसरी है जानवरों या पंचतंत्र, तीसरी जो है वो कौन सी है, परी की कहानियां, चौथी जो है वो आपकी क्या है, पहेलियां, पांचवी आपकी क्या है, पांचवी आपकी
विभिन्न कहानियां और लास्ट आपकी है साधुओं और उनकी कहानियां। ठीक है ना, पहले क्रम में भी है जो कि प्राचीन समय की जो गाथाएं हैं वो उन्होंने ले ली। दूसरी आपकी इन्होंने ले ली पशु संबंधी या जानवर संबंधी पंचतंत्री कहानियां जो कि हमें डॉक्टर विष्णु शर्मा द्वारा जो कही गई कहानियां हैं पंचतंत्र की वो कही जाएंगी। तीसरी कहानी आपकी परियों की कहानियां हैं, हम दिन में परियों से के बारे में बात करते हैं और परियों की जो भी होती स्वर्ग लोक की परी देवदूत की परी वगैरह वगैरह की परी की कहानियों में बताएंगे। चौथी आपकी पहेलियां हैं, पहेलियों को आप जानते हैं कि पहले टाइम में हम कई सारी पहेलियों को पूछते थे और पहेलियों में ही कोई कहानी कोई ना कोई छुपी होती तो वो पहेलियां नहीं आएंगी। पांचवी आपकी क्या है कि ये जो समाज में कितनी कहानियां ऐसी हैं जो कि बिल्कुल सही हैं जो कि मतलब वास्तविकता पर हैं और मतलब उनमें किसी भी प्रकार का अपराध की कोई उनमें वो नहीं है तो वो है आपकी। और चौथी है आपकी साधुओं की कहानियां, संतों की और पीर और बाबाओं की कहानियां। तो ये थे आपके डॉक्टर रतेंद्र साहब द्वारा वर्गीकरण किया गया छह प्रकार से गाथाएं, परिकथाएं, पहेलियां, निरीक्षण, साधुओं और जानवरों की संबंधी कहानियां। ठीक है, और अब इन सब के बाद इन पांचों विद्वानों के बाद आपके आते हैं डॉक्टर आपके रविंद्रनाथ के भवन। ये भी छह प्रकार से ही कहानियों को वर्गीकृत किए हैं। ये भी छह प्रकार से आपकी कहानियों को वर्गीकृत किए हैं। जैसे इन्होंने पहली आपकी ये राजाओं की कहानियां, दूसरी आपकी है भूत प्रेतों की कहानियां, भूत प्रेत। तीसरी इन्होंने जो दी है कहानियां वह दी है पशु पक्षियों की कहानियां। चौथी इन्होंने जो ली है अपनी कहानियां वे ली है देवी देवताओं की। देवी और देवताओं की कहानियां पांचवी इन्होंने जो ली है कहानियों का वर्गीकरण करते हुए लिया है पूरा की इतिहासें या पौराणिक। और नंबर छह पर जो मैंने कहानियों को दी है वह दी है हाजिर जवाब वाली कहानियां, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए लिखी हुई कहानियों को। पहली इन्होंने जो भी अपने भारतीय अपने समाज में बादशाह हुए राजाओं की कहानियां हैं, दूसरे में भूत प्रेतों की और उनकी नादी के जिंदगियों की कहानियां, और नंबर तीन पर पशु पक्षियों की कहानियां हैं, और नंबर चार पर देवी देवताओं की कहानियां हैं, नंबर पांच पर इतिहास और पौराणिक संबंधी कहानियां हैं, और नंबर छह पर एंटरटेनमेंट के लिए कई हुई कहानियाँ हैं। तो ये कुछ वर्गीकरण थे आपके जो इस पर आपको दिखाए गए। ठीक है ना, और नेक्स्ट जो है का भाग है तो हम आपको बताएंगे लोक कथा और स्टोरी में क्या फर्क होता है, द डिफरेंस बिटवीन द स्टोरी एंड द लोक कथा। तो यहाँ तक कि आज हमने आपको लोक कथाओं का वर्गीकरण आपको हमने बता दिया है, दूसरी वीडियो में हम आपको
मैं कोई भी दिक्कत आपको हुई हो तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में